नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। शहद परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारत की पहली प्रयोगशाला का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। ये प्रयोगशाला आणंद गुजरात में कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित की गई है। आइए देखते हैं इस पर रिपोर्ट। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कृषि मंत्रालय ने जब परीक्षण प्रयोगशाला की कल्पना की तो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में और इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने में जो पार्टनर की आवश्यकता थी, भागीदार के रूप में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को छोड़ा और उनके सहयोग से इस काम को आज अंजाम दिया है, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। भारत सरकार एक पक्ष है, लेकिन जब कोई बोर्ड हमारे साथ किसी अभियान में पार्टनर होता है तो मैं समझता हूँ अभियान की गति बढ़ाने में बोर्ड की भागीदारी यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गांव का विकास करने और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कभी भी किसी योजना का सृजन करते हैं तो हर योजना के हर निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब, किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की इच्छा रही कि छोटे से छोटे गरीब से गरीब किसान के जीवन स्तर में भी बदलाव आए और ऐसे हमारे तमाम सारे भाई बहन हैं जिनके पास जमीन का रकबा तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो खेती के काम से ही जुड़े हैं, लेकिन गांव में जो साधन है उस साधन के माध्यम से जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पाती। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा गांव में रहने वाले गरीब आदमी की, किसान की ताकत बढ़ेगी, समृद्धता बढ़ेगी, तभी हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। इस अवसर पर केंद्रीय डेयरी एवं मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या राय साझा की, आइए देखते हैं। बी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, KVIC, ये सबको जोड़ करके प्रधानमंत्री ने पिछली पहली सरकार में कहा था कि अगर देश के किसानों की आमदनी व्हाइट रेवोल्यूशन से दूध से बढ़ सकता है, आज 8 लाख करोड़ का दूध होता है किसानों की आमदनी, तो स्वीट रेवोल्यूशन और उसी प्रधानमंत्री के कारण आज स्वीट रेवोल्यूशन सबसे बड़ी कठिनाई थी दुनिया में। लगभग आने वाले दिनों में $30 बिलियन का, अभी तो $15 बिलियन का लगभग है और भारत के हनी का गुणवत्ता भी अच्छा है, लेकिन टेस्टिंग लैब की कमी थी, आज तक नहीं बना था क्योंकि जो भी लोग होंगे किसानों को सोचा नहीं। आज ये टेस्टिंग लैब का उद्घाटन जो NDDB के साथ मिलकर के बी बोर्ड, कृषि मंत्रालय ने किया है, ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला है, गांव में रहने वालों की आमदनी बढ़ाने वाला है। और केवल हनी का ना जोड़ें, हनी के बाद अभी तक
उससे पोलेन निकलता जो कई गुना हनी से ज़्यादा कीमत होता, वीवेन निकलता जो उससे कई गुना अधिक होता, उसके वैक्स मोम निकलते जिसके कीमत आप बाज़ार में छोटी सी डिबिया 100 रुपये में मिलते। यानी आने वाले दिन में वैल्यू एडिशन पर काम होगा, क्वालिटी पर काम होगा। और आज 1.25 लाख टन पर चला गया है जो बहुत नगण्य था उत्पादन, और इसलिए ये टेस्टिंग लैब एक माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि देश में जितना हनी का उत्पादन होता है उससे ज़्यादा जो मुझे ज्ञान हुआ है बाज़ार में बिक्री है, यानी मिलावटी को रोकने में सक्षम होगा। अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कोरोना से कैसे लड़े किसान हमारे इस खास कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं कोविड-19 पर डॉक्टर्स ने क्या सलाह दी है। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें, तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसे तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आप कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज कर सकते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कोविड 19 की दवा विकसित करने की ओर अग्रसर। वर्तमान में व्याप्त कोरोना महामारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है। कोरोना के नियंत्रण हेतु फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता इस तरह की दवाओं को बेअसर कर देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। विकल्प के तौर पर पिछले एक डेढ़ दशक से वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं में विद्यमान लगभग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वायरस के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रोटीन को टारगेट कर एंटीवायरल दवा बनाना, जिसे सामान्यतः होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, इसमें दवा प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न करने की क्षमता ना के बराबर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक इस तरह की दवा को विकसित करने में लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैज्ञानिकों ने होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी विषय पर एक लेख मशहूर अमेरिकन पत्रिका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है। इस लेख में वैज्ञानिकों ने परंपरागत एवं गैर परंपरागत एंटीवायरल दवा बनाने के तरीकों एवं वायरस की दवा प्रतिरोधी क्षमता पर प्रकाश डाला है। कोरोना महामारी के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परंपरागत दवाओं पर तेजी से परीक्षण शुरू किया जिनका उपयोग मनुष्य में पहले कभी न कभी अन्य बीमारियों में हो चुका है और जो पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती हैं। ऐसी दवाएं सामान्यतः सीधे वायरस पर टारगेट करने के बजाय होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस दिशा में एक कंपाउंड VTC-NTC1 ने मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस के खिलाफ न केवल पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की अपितु भ्रूणों के विकास को भी सामान्य बनाए रखा। तत्पश्चात इस दवा का अन्य विषाणु जैसे NTV या RNA वायरस एवं बफेलोपॉक्स यानी DNA वायरस में भी सफल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि VTC-NTC1 COVID-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अभी और परीक्षण जारी हैं। तो किसान भाइयों बहनों, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ICMR के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। आज के कोरोना से कैसे लड़े किसान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।